नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने पकड़ी रफ्तार। बीपीएससी 64वीं परीक्षा के अंतिम रिजल्ट में देरी से सोशल मीडिया पर छात्रों का फूटा गुस्सा। महाराष्ट्र से आने वाली हर ट्रेन में सवार सभी यात्रियों की आज होगी कोरोना जाँच। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के आवेदन की बढ़ी तारीख। तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। बीपीएससी 64वीं परीक्षा के अंतिम रिजल्ट में देरी से सोशल मीडिया पर छात्रों का फूटा गुस्सा। अंतिम रिजल्ट में हो रही देरी के कारण बिहार के छात्रों ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू कर दिया है। कायदे से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 64वीं सिविल सेवा की संयुक्त परीक्षा के लिए साल 2018 में ही विज्ञापन निकाला गया था। इस विज्ञापन के निकाले जाने के बाद नियम के मुताबिक एक साल में तीन चरणों में परीक्षा को लेकर परिणाम जारी करना होता है, लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी अब तक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 64वीं का फाइनल परीक्षा परिणाम नहीं जारी किया जा सका है। मिल रही जानकारी के अनुसार इसके पीछे एक अहम कारण यह है कि परीक्षा का काम अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। इसी वजह से छात्रों में काफी नाराजगी नजर आ रही है। पटना के कई अस्पतालों में फिर से बना कंट्रोल रूम। बिहार में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में संक्रमितों की संख्या 1500 के पार हो गई है, जिसके बाद राजधानी पटना का सबसे बुरा हाल है, जिसको देखते हुए शहर के तीन प्रमुख अस्पतालों में कोरोना कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम में फोन पर कोई भी व्यक्ति यहां बेड की स्थिति तथा मरीज के बारे में जानकारी ले सकता है। इस बाबत डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भी निर्देश को जारी किया है और तीन अस्पतालों में कंट्रोल रूम स्थापित करने की बात कही है, जिसके तहत पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स का नाम शामिल है। महाराष्ट्र से आने वाली हर ट्रेन में सवार सभी यात्रियों की आज होगी कोरोना जांच। देश समेत बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेन ने बिहार सरकार की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है, जिसके बाद से बिहार में कोरोना के नए सिरे से बढ़ने की संभावना एक बार फिर से जाग गई है। हालांकि सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए आज बिहार पहुंच रही पूरी ट्रेन की कोरोना जांच करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 75 टीम का गठन भी कर दिया गया है, उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। जिला प्रशासन ने पटना के 4 रेलवे स्टेशनों पर कोरोना जांच के लिए व्यवस्था की है। इसी के साथ डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को पटना जंक्शन का निरीक्षण किया। आज रेल मंत्री ने बिहार को दिया हमसफर ट्रेन का तोहफा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज गोड्डा स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहारवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। इसको लेकर रेलवे की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसके बाद अब साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस गोड्डा नई दिल्ली के बीच स्पेशल बनकर परिचालित होगी, जिसके बाद आज 3 बजे ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग पहले ही शुरू करवा दी गई थी, जिसके तहत सांसद निशिकांत दुबे ने पहली टिकट बुक कराई थी। जिसके बाद अब हमसफर ट्रेन 19 अप्रैल सोमवार से गोड्डा और 20 अप्रैल मंगलवार से नई दिल्ली के बीच ट्रेन का परिचालन नियमित हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के आवेदन की बढ़ी तारीख। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत रोजगार की शुरुआत करने की इच्छा रखने वालों के लिए अहम सूचना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 50% सब्सिडी पर अपनी गाड़ी खरीदकर रोजगार के इच्छुक हैं तो आपके लिए बिहार सरकार ने मौके का और विस्तार कर दिया है। आवेदन की अंतिम तारीख 8 अप्रैल से बढ़ाकर 23 अप्रैल तक कर दी गई है, जिसके बाद अब 10 मई को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया है कि कोरोना या फिर अन्य कारणों से कई आवेदन करने से वंचित रह गए थे, उन्हें आवेदन करने का एक और मौका दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में अब प्रति पंचायत 7 योग्य लाभुकों का चयन किया जा रहा है। कोरोना के बावजूद नीतीश सरकार के मंत्री ने पंचायत चुनाव के लिए तैयार रहने की कही बात। बिहार में कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है, जिसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ने की बात भी कही जा रही है, लेकिन इन सभी अटकलों से बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस के बीच पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अहम टिप्पणी की है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। निर्वाचन आयोग को अब यह तय करना है कि चुनाव कब कराना है। मामला राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम के फेज 2 और फेज 3 के इस्तेमाल पर अटका हुआ है। जब राज्य निर्वाचन आयोग तय कर देगा तो हम चुनाव करवाएंगे। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि जो मुखिया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत बिहार में लाखों गाड़ियों पर लगेगी रोक। प्रदूषण की समस्या बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार इलेक्ट्रिक बैटरी और CNG से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सरकार व्यावसायिक वाहनों में अनुदान
भी दे रही है, जिससे लोग पुरानी गाड़ियों को सीएनजी में तब्दील कर सके। इसके साथ ही विभाग सड़क से पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए बिहटा में निरीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र भी खोलने वाली है, जिसके माध्यम से ही अब पुरानी गाड़ियों को भी सर्टिफिकेट देने का काम किया जाएगा कि वह सड़कों पर चलने के योग्य है या नहीं। बिना इसके सर्टिफिकेट लिए सड़क पर अब गाड़ियों का परिचालन नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते वाहनों की संख्या और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि गाड़ियां फिट रहे। बिहार में पंचायत के सभी आरक्षित पदों को किया जाएगा सार्वजनिक। बिहार पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा भले ही अभी तक नहीं की गई है, पंचायत चुनाव को लेकर समय समय पर अहम दिशा निर्देश को जारी किया गया है, जिसके तहत पंचायत चुनाव के लिए सभी स्तर के आरक्षित पदों को सार्वजनिक किया जाएगा। पंचायत आम चुनाव को और भी पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी स्तर के आरक्षित पदों को फाइलों से निकालकर सार्वजनिक करने का निर्देश सभी जिलों को दे दिया है। पंचायत आम चुनाव लड़ने वाले मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला पार्षद सदस्य के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भरने के पहले ही सभी स्तर के आरक्षित पदों की जानकारी मिल जाएगी। इसको लेकर हाल ही में कैबिनेट की तरफ से राज्य में नगर निकायों के गठन की मंजूरी दे दी गई है। बिहार में 11 अप्रैल से लू चलने के बढ़े आसार। बिहार में गर्मी की मार का सामना बिहार वासियों को अब बहुत ही जल्द करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों प्रदेश में चल रही भारी आर्द्रता युक्त पुरवैया से इस हफ्ते के अंत में मुक्ति मिल जाने के आसार है। इसके जगह पर पूरे प्रदेश में पछुआ हवा चलने की संभावना जताई गई है। इससे प्रदेश में अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ेगा। आईएमडी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में एक दो जगह को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बताया गया है। इसकी वजह पूर्वैया हवा का लगातार चलना है। हालांकि चक्रवाती प्रभाव के कारण खासतौर पर दक्षिणी और पश्चिमी इलाके में मौसमी दशाएं अस्थायी तौर पर बदल सकती है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने पकड़ी रफ्तार। समूचे देश के साथ साथ बिहार में कोरोना की स्थिति खराब होती जा रही है। महीनों बाद मामलों ने 1500 के आंकड़े को पार कर लिया है। इसी क्रम में विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 1527 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 271919 पर पहुंच गई है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 522 नए मामले, गया में 128 और भागलपुर में 78 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अगर हम बीते दिन के पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की बात करें तो कुल मिलाकर 553 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 264,402 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,925 पर पहुंच गई है। लालू यादव ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका। चारा घोटाले मामले में सलाखों के पीछे बंद लालू प्रसाद यादव ने अब झारखंड हाईकोर्ट से रिहाई की गुहार लगाई है, जिसके तहत बीते दिन लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में याचिका दायर कर जमानत की मांग की है, जिसके तहत याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया है कि सीबीआई की विशेष अदालत से दुमका मामले में जो उन्हें सजा दी गई थी उसकी आधी सजा उन्होंने काट ली है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले के 4 मामले फिलहाल हाईकोर्ट में चल रहे हैं, जिसमें 3 मामलों में उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत से सजा दी गई थी। चिराग पासवान के खिलाफ जदयू नेता ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मुकदमा। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने बड़ा झटका दिया है, जिसके तहत जदयू के खिलाफ मैदान में उतरे चिराग पासवान के खिलाफ लोजपा से जदयू में आए केशव सिंह ने चिराग पासवान पर बिहार विधानसभा चुनाव में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए पटना सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसके बाद अब लोजपा ने चिराग पर लगाए गए आरोप को बेबुनियाद घोषित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दर्ज मुकदमे में केशव सिंह ने चिराग पासवान पर आरोप लगाया है कि उनके सामने 25,000 लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने और विज्ञापन के लिए 2-2 लाख रुपए पार्टी फंड में जमा करने की शर्त रखी गई थी। बढ़ते कोरोना को देख सलमान खान ने अपनी फिल्म से जुड़ा दिया अपडेट। कोरोना का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। आम नागरिकों के साथ साथ कोरोना ने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में अब मुंबई में बेहाल हुए कोरोना के मामले को देखते हुए सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म राधे से जुड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि अगर लोगों ने सरकार की तरफ से दी गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया और केसेज ऐसे ही बढ़ते रहे तो राधे इस साल रिलीज नहीं होगी। सलमान ने कहा कि अगर कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी तो राधे इसी साल ईद में रिलीज की जाएगी। दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों पर लॉकडाउन की मार पड़ेगी और हर किसी को इसको सीरियसली लेना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि हम इस वायरस को मार दें इससे पहले कि यह हमें मारे।
धोनी ने पुजारा को थमाई सीएसके की किट। चेतेश्वर पुजारा की वापसी चेन्नई की टीम में लगभग 7 साल के बाद हुई है। वहीं टीम में वापसी के साथ ही कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की ऑफिशियल किट को भी उन्हें थमाई है, जिसके बाद पुजारा ने अपने ट्विटर हैंडल पर धोनी और किट के साथ एक तस्वीर को भी शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक खास मैसेज दिया है, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि धोनी भाई और चेन्नई सुपर किंग्स फैमिली से ऑफिशियल किट मिलने पर उत्साहित और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस सीजन बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उम्मीद कर रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीएसके की टीम ने पुजारा को आईपीएल 2021 के ऑक्शन में उनके बेस प्राइस 50 लाख में खरीदा था। पुजारा को टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इस बार उनके पास खुद को T20 फॉर्मेट में भी साबित करने का अच्छा मौका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों से संक्रमण फैलने से रोकने में बिहार सरकार सफल हो पाएगी या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।